बकवास उनका है बकवास। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू ट्रस्टी वाइब्स। तो आज जो है वो आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ मैं, और इसके अंदर हम एक वियर्ड सा चैलेंज करेंगे जो कि हम योगर्ट्स के साथ करेंगे। मेरे पास है योगर्ट नेस्ले का, ये रखा हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। आज इसके साथ हम चैलेंज करेंगे और इसके साथ हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्रेस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होंगी, जो मेरे ख्याल से आज तक हमने कभी योगर्ट के साथ टेस्ट नहीं किया होगा। तो आइए चले चलते हैं, रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। गाइस, मैंने आज इस वीडियो में इसके साथ करना है वियर्ड कॉम्बिनेशन करना है इन चीज़ों का, जो कि कभी भी मैंने दही के साथ इसके साथ खाई नहीं है, लेकिन ये मेरा फेवरेट योगर्ट है तो मुझे बहुत पसंद है, तो इसके साथ मैंने सोचा कुछ नया हो जाए। तो मेरे पास हैं ये कुछ चीज़ें जो मैंने निकाली थी वियर्ड कॉम्बिनेशन करने के लिए इस दही के साथ। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास ये आइटम्स हैं, बारी बारी करके इन आइटम्स को हम टेस्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एम्प्टी प्याली ले लेते हैं और इस एम्प्टी प्याली में थोड़ा सा हम गोबर निकाल लेते हैं। ये गाइस मैंने निकाल लिया है योगर्ट इसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं पोमीग्रेनेट्स के साथ। ये अनार है मेरे पास, इन अनार के साथ टेस्ट करते हैं कि ये दही कैसा लगता है। तो हम इसमें से थोड़ी सी लेंगे ये और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे, वैसे टेस्ट करके देखते हैं कि अब ये कैसा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ये टेस्ट करने के लिए रेडी कर लिया। अब पहला ये है, टेस्ट करते हैं कि पोमीग्रेनेट जो है वो योगर्ट के साथ कैसा लगता है। आई होप अच्छा ही लगेगा, अच्छे होता है यार, फ्रूट्स के साथ तो अच्छा ही लगता है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत 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 ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है लिटरली। अगर आप लोग, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एक दफ़ा आप लोग पोमीग्रेनेट के साथ ये योगर्ट जो है वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का। ये तो मेरी तरफ से हो गया 10/10, इसको तो 10/10 रेट मिलेगा। अब करते हैं नेक्स्ट चैलेंज योगर्ट के साथ। अब हम टेस्ट करते हैं एप्पल को। आप लोगों को दिख रहा होगा योगर्ट रख दिया गया है और अब इसकी बारी है टेस्ट करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार इनको साथ में खाकर भी ऐसा लग रहा है अलग अलग खा रहे हैं, कुछ सिमिलर, मतलब जो इसका फ्लेवर होता है वो वही आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक साइड से जो है वो एप्पल खा लिया है, दूसरी साइड से आपने दही मुँह में डाल लिया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इन दोनों का, टोटली डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। तो इसको हम रेट देंगे 7/10। अब नेक्स्ट हम टेस्ट करते हैं हमारी ये फ्रेंच फ्राइज हैं। अब इन फ्रेंच फ्राइज को टेस्ट करते हैं इस योगर्ट के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये उठा लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज को जो है वो इस योगर्ट के साथ लगाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से। एयर वी गो, ये देखें। ओह तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाइस लिटरली बहुत अजीब टेस्ट कर रहा है, इसके साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। पता नहीं आम योगर्ट्स के साथ जो है वो ये अच्छी लगती होगी या रायते वगैरह के साथ अच्छी लगती होगी लोगों को, लेकिन इसके साथ तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसको मैं 5/10। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे बिस्किट्स की तरफ। अब ट्राई करते हैं बिस्किट्स योगर्ट्स के साथ कैसे लगता है। तो मेरे पास ये बिस्किट है, अब इसको हम लगाते हैं। इससे पहले ये ट्राई करते हैं। अरे हाय हाय, वैसे मुझे कॉम्बिनेशन को समझ नहीं आ रहा, वैसा लग रहा है कि ये भी
अजीब ही कॉम्बिनेशन होगा, कुछ अच्छा तो होगा नहीं। ये भी ट्राई करते। बहुत ही गंदा टेस्ट आया था बिस्किट के साथ, योगर्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ही बुरा टेस्ट था, बहुत बुरा टेस्ट, 3 out of 10, बहुत बकवास। अब गाइस नेक्स्ट हम टेस्ट करते हैं जो के है हमारे पास मीठा मीठा हनी। अब इस हनी को टेस्ट करते हैं ये दही के साथ कैसा लगता है। ये भाई हनी डाल रहा है इसमें, वाकई डाल रहे हैं। ये तो ये मैंने डाल दिया है हनी, और अब हम इसको टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है कि लोग खाते हैं दही में शहद डाल के। अब देखते हैं नेस्ले योगर्ट के साथ ये दही कैसा लगता, ये टेस्ट कैसा कर रहा है हनी के साथ। वैसे भी ये स्वीटिटी है योगर्ट, तो इसमें कुछ मीठा डालने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैंने इसको मीठा कर लिया है तो एक ही बाइट लूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद। वाकई यार ये तो अच्छा लग रहा है लिटरली गाइस। ये भी हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग घर में जरूर टेस्ट करना, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने सच बोला है, वाकई अच्छा लग रहा है ये। तो हम इसको रेट करेंगे 10 out of 10, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त है। लास्ट चीज टेस्ट करेंगे इस योगर्ट के साथ, ये फेवरेट लेस चिप्स। आइए टेस्ट को रहते हैं कैसी लगती है। कभी आपके घर में कैचअप वैचअप ख़त्म हो जाए ना, तो अगर आपके पास दही हो बहुत ही तो आप लोग इसके साथ भी खा सकते हैं, इसलिए मैं इसको ही टेस्ट करके बता रही हूँ कैसा लग रहा है। और आई होप कि ये बहुत ही बकवास लगी, उम्मीद है मुझको। तो इसके साथ टेस्ट करके देखते हैं। अरे ऐसे फजूल फजूल मुझे यार ये वेट कॉम्बिनेशन करने में अलग ही किस्म की वाइब्स आ रही है। ये देखिए स्ट्राइक, अब बकवास उनका है बकवास। सारा मुंह खराब हो गया। भाई या तो उसको केचप से खा लो या तो उसको रूखा खा लो, यही सही है। अलग से टोटके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मत करें प्लीज़। आज इस नेस्ले का हमने वेयर चैलेंज किया था योगर्ट का, जो कि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया। और इसके साथ मैंने बहुत वेयर चीज़ें खाई हैं जिनको, जो कुछ अच्छी थी कुछ अच्छी नहीं थी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है, लेकिन मज़ा आया। अगर आप लोग चाहें तो घर में ये सब कुछ चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये वियर्ड कॉम्बिनेशन अच्छे लगे तो इसी के साथ न्यू वीडियोज़ आएंगी, और उसमें भी हम वियर्ड वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।